आज आपके लिए मैं 2023 का होंडा SP160 लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, फीचर्स क्या है, कितने कलर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या वेरिएंट्स मिलते हैं, वो सब आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्या आपको ये बाइक माइलेज दे पाएगी, वो भी आपको मैं ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं भाई, दो वेरियंट में आती है, एक तो सिंगल डिस्क और दूसरा ड्यूल डिस्क। सिंगल चैनल ABS सब मिलेगा। जो सिंगल डिस्क वाला वेरियंट है उसका जो वजन है वो 139 किलो है, और जो ड्यूल डिस्क है जो आपके सामने है ये टॉप एंड वेरियंट है, इसका वजन रहेगा 141 किलो। सीट की हाइट है 796 mm, अगर आपकी हाइट 5.4-5.3 भी है तो भी आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे। ग्राउंड क्लीयरेंस ये बाइक का है 177 mm का। अगर आप दो लोग भी बैठ के जाते हो ना तो भाई कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ये बाइक को लेके जा सकते हैं। 6 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है। तो सामने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो हेडलैम्प है वो LED मिलती है, कंप्लीट LED आपको हेडलैम्प मिलती है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये हेलोजन इंडिकेटर्स है, मतलब क्लियर लाइट है और ट्रांसपेरेंट है, तो ये हेलोजन आते हैं, इसमें आपको LEDs नहीं मिलता है। होंडा का नाम यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। टेलीस्कोप का आपको सस्पेंशन मिलता है। सामने जो टायर आपको दिया गया है वो 80x117 inch का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको दिया गया है। अलॉय व्हील्स का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रे फिनिश का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ओवरऑल जो कलर है ना बाइक का वो ब्लैक है, बट जो अलॉय व्हील्स का कलर है वो थोड़ा सा ग्रे फिनिश में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 276 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है। सिंगल चैनल आपको ABS मिलता है। पीछे जो दूसरा वेरिएंट मैंने बताया उसमें आपको पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। इंजन की बात करें तो ये है 162 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 13.2 PS का और टॉर्क आउटपुट है 14.58 Nm का। ये सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसके अंदर आपको यहाँ पे आप देखोगे तो इंजन कॉइल भी दिया गया है। एंड एक चीज और आपको बता दूं भाई, बहुत सारी कंपनियां है ना ये जो किक है ना उसको निकाल दे रहे हैं, बट होंडा ने यहाँ पे आपको किक भी दिया है। और जो सर्दियों में स्टार्ट होने वाली जो इश्यू लोग सोचते हैं कि हो सकता है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ये जो इंजन है ना ये BS6 फेस 2 कंप्लाइंट है, मतलब E20 का मतलब ये है कि भाई आप 20% एथेनॉल और जो फ्यूल है वो इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो पेट्रोल और फ्यूल अवेलेबल हो जाएगा वो टाइम पे आपको कोई भी बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो E20 ये कंप्लाइंट इंजन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। 12 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक यहाँ पे दिया गया है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा हो सकता था एटलीस्ट 14 लीटर का, बिकॉज पल्सर 150 जो है उसमें आपको 15 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है कि होंडा का जो माइलेज है ना आपको बहुत तगड़ा मिलता है, तो टैंक की रेंज है ना वो आपको आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। टैंक जो है ना ये काफी मस्कुलर दिखता है, आप जब गाड़ी में बैठोगे ना तो आप अच्छे से गाड़ी का जो टैंक है ना वो दोनों तरफ से ग्रिप कर पाओगे, तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन यहाँ पे लगे है ना ये जो, तो ये थोड़ा आगे की तरफ है, मतलब आप यहाँ पे बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे होंडा का नाम और उनका लोगो दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में जो पट्टी जा रही है ना ये लाइन, ये ग्रे कलर में है। ओवरऑल जो कलर है बाइक का वो ब्लैक है, और ये शाइनिंग कलर है, मतलब जो ग्लॉसी फिनिश बोलते हैं ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सिंगल सीट आपको यहाँ पे दी गई है, जो राइडर है उसकी सीट थोड़ी सी नीची है, जो पिलियन है उसकी सीट थोड़ी सी ऊपर है, और जो क्वालिटी है ना वो सीट की आप देखिए, अलग सा एक टेक्सचर आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रैब रेल आपको दिया गया है, यहाँ पे 160 लिखा गया है। थोड़े से स्टिकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं। SP का नाम यहाँ पे 3D में लिखा है, और ये क्रोम फिनिश के साथ आपको दिया गया है। पीछे की तरफ आप आएंगे तो इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो काफी मतलब अच्छे से इसको प्लेस किया गया है, साथ ही साथ आपको हीट शील्ड मिलती है। हीट शील्ड यहाँ पे क्रोम के होने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रीमियम और ज्यादा फील यहाँ पे इसकी वजह से देखने को मिलेगा। पीछे सस्पेंशन जो है ना वो मोनोचोक है, तो आप इसको चाहो तो प्रीलोड जो एडजस्टेबल ऑप्शन है उसको यूज करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे का जो टायर है ना वो 130 सेक्शन का है, मतलब ये जो टायर है 130x यहाँ पे 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो है वेरिएंट ये टॉप एंड है। पीछे आप देखोगे तो आपको इसकी जो लाइट है ना ये टेल लाइट ये काफी अच्छे आपको देखने को मिलेगी। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसका जो देखने में तो ये M ऐसा दिखता है, बट मेरे हिसाब से ये H है होंडा का, तो ये देखो M का शेप आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दूर से अगर आप गाड़ी को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये SP160 है, होंडा का नाम यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आपको अपने जो इंडिकेटर्स है वो दिए गए हैं, नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ये साइड में अगर आप आएंगे तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है, पीछे की तरफ से थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। यहाँ पे पीछे आपको कंप्लीट ओपन चेन दी गई है, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया गया है, लेडीज फुटरेस्ट भी दिया गया है जो इंटीग्रेटेड है इसके साथ साड़ी गार्ड के साथ, एंड आपको नॉर्मल जो फुट पैक्स है वो भी दिया गया है। गियरबॉक्स की बात करें तो आपको 5-speed गियरबॉक्स इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइड स्टैंड आपको कट ऑफ सेंसर भी इसमें दिया गया है। मैंने इंजन के बारे में आपको बता ही दिया है, जब हम इसको चलाएंगे नेक्स्ट टाइम जैसे ही अवेलेबल रहेगा बाइक राइड करने के लिए वो टाइम पे हम आपको बताएंगे कि इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, गियरबॉक्स कैसा है। वैसे तो आपको पता ही कि होंडा का इंजन है तो रिफाइंड रहेगा, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, बट फिर भी आजकल क्या है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है,
तो हमें चलाने के बाद में ही पता चलेगा। बाकी हम हैंडल बार के बारे में बात करें तो काफ़ी वाइड हैंडल बार आपको दिया गया है, और एक चीज़ आप देखोगे ना तो ये हैंडल बार एकदम से फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि आप जब सीट पर बैठोगे ना तो आपको झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या आपको स्विचेस दिए गए हैं, ये हाई बीम लो बीम, ये फ्लैश इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया गया है राइट हैंड साइड में आपको, इंजन किल स्विच दिया है होंडा ने। एक चीज़ और, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट स्विच दिया गया है, तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आप देखिए, जैसे मैंने हैजार्ड लाइट का स्विच ऑन किया, पूरे को पूरे जो लाइट्स है वो ऑन हो चुके हैं। चाबी आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी चाबी है, होंडा का नाम लिखा गया है, ऑब्वियसली होंडा की है तो होंडा का नाम लिखा रहेगा। सो ये आपको पता ही, सिस्टम कंसोल कहाँ से लिया गया है, ऑलमोस्ट सेम सिस्टम कंसोल आपको मिलता है CB300R पे। यहाँ पे आपको RPM, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड टोटल ऑडोमीटर रीडिंग, एवरेज किलोमीटर पर आवर मतलब कितनी आप स्पीड से इसको चला रहे हैं। इसके अलावा आपको जो बैटरी का वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा, किलोमीटर पर लीटर कितना आपको माइलेज यहाँ पे दे रही है, एवरेज जो माइलेज है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जब आप गाड़ी चलाते हो स्पेशली सिटी में, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी माइलेज गाड़ी कितना दे रही है। स्पीड ऊपर आपको क्लॉक दी गई है, बाकी और आपको कुछ मिलता नहीं है। ऊपर आपको इंडिकेटर, ABS, माल फंक्शन, इंजन माल फंक्शन, न्यूट्रल, वो सब आपको लाइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। दो यहाँ पे आपको स्विच और बटन दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो है कि चार्जर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये गाड़ी को कम्यूटिंग सेगमेंट में डालते हो तो चार्जिंग का ऑप्शन मुझे लगता है कि दे दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा और कुछ अगर आपको ये बाइक के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका राइड जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो जैसे ही हम इसका राइड रिव्यू करेंगे वो टाइम पर हम दूसरी बाइक्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे। वैसे ये सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स हैं जिनके साथ हम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, जैसे कि पल्सर 150 है, P150 है, अपाचे RTR 160 है, वो सब बाइक्स के साथ इसका कंपेरिजन किया जा सकता है। बट अभी हमने ये बाइक को नहीं चलाया है तो हम कुछ कमेंट इस पर नहीं कर पाएंगे। आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है, राइड बहुत ही जल्दी इसका आने वाला है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।